दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई हेड कोच ने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पांच बहुत बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पांच तब्दीलियों का ऐलान कर दिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का 18 रुकन स्क्वाड भी बता दिया है। नए हेड कोच ने बहुत बड़ी तब्दीलियाँ कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ नए हेड कोच कौन है और कौन कौन सी तब्दीलियाँ कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारा कसम नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि 18 रुकनी स्क्वाड में आप लोगों का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। तो चलिए नए हेड कोच की पाकिस्तान टीम की जो 18 रुकनी स्क्वाड है वो बताते हैं आप लोग इस वीडियो में। तो पहले नंबर की बात करें बाबर आजम होंगे, दूसरे नंबर की बात करें सैम अयूब होंगे, तीसरे नंबर की बात करें मोहम्मद रिजवान होंगे, चौथे नंबर की बात करें फखर जमान होंगे, पांचवें नंबर की बात करें शादाब खान होंगे, छठे नंबर की बात करें आजम खान होंगे, सातवें नंबर की बात करें इफ्तिखार अहमद होंगे, आठवें नंबर की बात करें इमाद वसीम होंगे, नौवें नंबर की बात करें नसीम शाह होंगे, दसवें नंबर की बात करें शाहिन शाह अफरीदी होंगे, ग्यारहवें नंबर की बात करें मोहम्मद आमिर होंगे, बारहवें नंबर की बात करें उस्मान खान होंगे, तेरहवें नंबर की बात करें इब्रार अहमद होंगे, चौदहवें नंबर की बात करें उस्मान खान होंगे, उसामा मीर होंगे, सोलहवें पंद्रहवें नंबर की बात करें सलमान अली आगा होंगे, सोलहवें नंबर की बात करें अब्बास अफरीदी होंगे, सत्रहवें नंबर की बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे और अठारहवें नंबर की बात करें तो मेहरान मुमताज होंगे। तो यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 18 रुकनी स्क्वाड T20 स्क्वाड जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच ने बता दिया, जहां पर नए हेड कोच ने पांच बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के नए हेड कोच ने बताया कि मजीद तब्दीलियां भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब होंगी।